मैं पढ़ना चाहता हूँ। इल्म सबके लिए, ये नारा बरसाह बरस से सुनते जरूर आ रहे हैं, लेकिन महरूम तबके के लिए तो हर दौर में ये नारे महज खोखले दावे ही साबित हुए और इल्म तक रसाई एक ख्वाब बनती जा रही है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ और आगे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने की एक कोशिश की है परवीन अफशार राव ने, जो किसी नारे और दावे के बगैर सिर्फ अपने अमल से तालीम से महरूम बच्चों के रास्ते में इल्म के दिए रोशन करती जा रही हैं, और वो भी सिर्फ एक रुपए में। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। आई एम रबिया, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6। मुझे सब कुछ पढ़ना और लिखना आता है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ जिसकी फीस ज्यादा नहीं, सिर्फ एक रुपया है। इल्म तो खुदा ताला ने कहा ना, हर बच्चे को ही दिया जाएगा और उसे हासिल करना चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम उनको प्रोवाइड करें। खुदा की बस्ती में कायम अमले दानिश स्कूल इस अहद की तकमील है जो 18 साल पहले परवीन राव ने इन बच्चों से और अपने आप से किया था, एक अच्छी और मयारी तालीम देने का अहद। इस स्कूल की इंफ्रादियत सिर्फ इसकी फीस और मयारी तालीम नहीं, बल्कि वो तरीका तालीम है जो इस स्कूल में मुतारफ कराया गया है, यानी 4-डायमेंशनल स्कूल सिस्टम, जो बस्ती को 4 तरह से तालीम फराहम करता है। डायमेंशन 1, तालीम और हुनर साथ साथ। डायमेंशन 2, तेज रफ्त यानी फास्ट ट्रैक। डायमेंशन 3, कम्युनिटी एजुकेशन। डायमेंशन 4, टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम। इस स्कूल में बच्चों को रेगुलर तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाया जाता है। जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं, जो देही इलाके होते हैं, वहाँ पे बच्चों को सिर्फ बुनियादी तालीम ही दी जाती है, उसके बाद उन्हें कहा जाता है घर बैठ जाए। तो अगर उनके पास हुनर होगा तो वो हुनर में मतलब कुछ रोज़गार तो अपना कमा सकते हैं, और बच्चियाँ ख़ासतौर से घर बैठ के इज्जत से रोटी कमा सकती हैं। हम सिर्फ मैट्रिक सर्टिफिकेट फराहम नहीं करते, उसे अमली तौर पर एक हुनरमंद इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में बच्चों को हर वो हुनर सिखाया जाता है जो मकामी इलाके और उनकी मौशी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसके साथ ही ये एतमाद भी दिया जाता है कि उनका हुनर भी उनकी एक पहचान है। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो क्या हुआ, आज मैं एक पढ़ा लिखा कारपेंटर तो बन गया। अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे पंखा या बल्ब वगैरह, कोई बोर्ड वोर्ड, तो मैं उसे रिपेयर कर लेता हूँ। कुछ बच्चे मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते और उम्र बढ़ जाने की वजह से उन्हें किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे मैम, हमारे घर में खाने को नहीं होता था, हम भूखे सो जाते थे, इसलिए हम पढ़ नहीं सके। एज बहुत बड़ी थी मेरी, तो दूसरे स्कूल में हम लोग मेरा एडमिशन करवाने गई अम्मी, तो वो बोला कि क्या नाम है, नहीं भाई इसका एडमिशन नहीं ले सकते हम, छोटे छोटे बच्चों में अजीब सी दिखेगी। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैं जाहिल हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। ऐसे बच्चों को 3 साल तेज रफ्त स्कूल के जरिए न सिर्फ तालीम दी जा रही है, बल्कि एक साल में 2 जमातें पढ़ाकर उनको अपनी उम्र के मुताबिक बच्चों के साथ तालीम हासिल करने का मौका दिया जा रहा है। ये वाहिद स्कूल है तेज रफ्त जिसमें मुझे एडमिशन मिला है। पिछले साल लेवल 1 में 1-2 क्लास पास करी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और इस साल में लेवल 2 पास कर रही हूँ। मैं अपनी मैडम का बहुत शुक्र अदा करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी उम्र के लिहाज से मैट्रिक करवाया, क्योंकि मेरा ख्वाब टीचर बनना ही था और मैडम ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं, इससे वाबस्ता अफराद, खासकर माँ का तालीम याफ्ता होना भी बहुत जरूरी है, और परवीन ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया। जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो पूरा खानदान तालीम हासिल करता है। इस स्कूल में बच्चों को तालीम बालगान की तलकीन ही नहीं की जाती, बल्कि बच्चों के निसाब में किसी एक ना खानदा को खानदा करने की शर्त भी रखी गई है।
सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए लाजमी है कि वो एक साल में किसी एक नाखानदा को खानदा करें, और अगर वो नहीं पढ़ाएंगे किसी को तो उनके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके हमने कुछ नंबर रखे हैं। पढ़ाई की शौकीन कुछ खवातीन को तालीम बालगान के तहत स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब मैं सही से पढ़ लेती हूँ और बच्चों की जो डायरी वो रोज़ाना में देखती हूँ। ये हमारा कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत ही कारामद और फ्रूटफुल साबित हुआ है, कि हमें कहीं से लाना नहीं, किसी पे कुछ खर्च नहीं करना, किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी, बल्कि हमारे ही बच्चे उन्हें पढ़ा देंगे और बस्ती खानदा हो जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं माएँ अपनी बेटियों को पढ़ाती हैं, मेरी बेटी ने मुझे पढ़ाया। माँ बाप के बाद बच्चों का पहला आइडियल उनके असतज़ा हैं, और अगर उस्ताद ही तरबियत याफ्ता ना हो तो बच्चों की सही तरबियत किस तरह से होगी। इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर स्कूल में चौथा अहम सुतून टीचर्स ट्रेनिंग को बनाया गया। मैं ये चाहती थी कि मकामी टीचर्स को मैं इक्विप करूँ इस चीज़ में कि वो टीचर भी अच्छी बन जाएं। तो तब फिर मैंने उन्हें मुख्तलिफ इदारों से टीचर्स ट्रेनिंग दिलवाना शुरू की, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू की, फिर उसमें वो माहिर होती गई। अब हमने अपनी चंद टीचर्स को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो दूसरी टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं। टीचर्स को मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लोन भी दिया जाता है। स्कूल में टीचर्स को लोन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि भाई आप अपनी सैलरी जो है वो तो घर लेके जाएं, क्योंकि घर वालों को ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन छोड़े नहीं। आज ही स्कूल कराची के अलावा लाहौर, सरगोधा और कश्मीर की मज़ाफ़ाती बस्तियों में फोर डायमेंशनल तालीम के दिए रोशन कर रहा है। चार इमारतों में किए जाने वाले चार मुख्तलिफ तालीमी कामों को कम खर्च बनाकर स्कूल को एक ही वक्त में चार जहतों में काम करने वाला स्कूल बना दिया गया है, ताकि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तालीम दी जा सके। शहरों के मज़ाफ़ात में इस मॉडल स्कूल को अप्लाई करें और बहुत सारे ऐसे स्कूल बना दें तो हम एजुकेशन इमरजेंसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि चार तरह के लोग उसमें एक वक्त में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बुनियादी एजुकेशन 8 से 10 साल में सारे पाकिस्तान को दे सकते हैं। 1996 में एक रुपए स्कूल से शुरू होने वाले इल्म के इस नन्हे से पौधे ने 18 सालों में फोर डायमेंशनल स्कूल की सूरत में एक तनावर दरख का रूप धार लिया है, जिसकी छांव से सिर्फ इसके साए तले बैठने वाले तालिब इल्म ही नहीं बल्कि इसकी ठंडक से दूर दूर तक लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और अगर इल्म के ये नन्हे पौधे पूरे मुल्क में लगा दिए जाए तो महज चंद बरसों की आबियारी से इल्म के सम्राट पूरे मुल्क को मिलना शुरू हो जाएंगे।